नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत और अब बात 21 जनवरी के इतिहास की। साल 1924, ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी। पार्टी के नेता रेग्जे मैकडोनाल्ड देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1924, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले और 1917 से 1924 के बीच सोवियत संघ के पहले प्रमुख व्लादिमीर लेनिन का निधन हुआ। साल 1950, तपेदिक से 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजी के चर्चित लेखक जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु हुई। साल 1963, हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिव पूजन सहाय का निधन हुआ। साल 1972, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई। साल 1976, फ्रांस और ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग से निर्मित सुपरसोनिक गति वाले वाणिज्यिक विमान कॉन्कॉर्ड ने नियमित सेवा शुरू की। इसके बाद दुनिया में तेज रफ्तार विमानों के निर्माण की होड़ लग गई। साल 1996, स्वायत्त फिलिस्तीन के पहले ऐतिहासिक आम चुनाव में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यायर अरफात 85% मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। साल 1996, इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 340 लोगों की मौत हुई। साल 2008, भारत ने इसराइल के एक जासूसी सैटेलाइट का प्रेक्षण कर उसे पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। साल 2009, कर्नाटक के बीदर में वायुसेना के प्रशिक्षण विमान सूर्यकिरण से दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हुई। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।